कौन है आप और ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी अभी शुरू कहां की है? ए! मेरी सनम को छोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई मेरी सनम को? हिम्मत कैसे हुई मेरी सनम को छूने की? जितनी मोहब्बत शाद करते ना तुमसे, उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत मैं अपनी सनम से करता हूं। आई लव यू सनम, आई लव यू सनम, आई लव यू सनम। मेरी सनम को छुआ? मेरी सनम को? मेरी सनम को हाथ लगाया तुमने? हाँ, how dare you? मेरी सनम को छुआ? मेरी सनम को छुआ तुमने? Thank you.
आंखें खोलो अपनी, आंखें खोलो अपनी, प्लीज सनम अपनी आंखें, सनम तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, आई लव यू। आखिर की हिम्मत कैसे हुई मेरी जन्नत के साथ? आंखें खोलो अपनी सनम प्लीज, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम मुझे यूं छोड़ के नहीं जा सकती, अपने आयल को छोड़ के नहीं जा सकती सनम, प्लीज ओपन योर आई, तुम्हें देखो तुम्हारा हाल तुम्हारे सामने। तुम्हारा हाल तुम्हें कुछ नहीं होने देगा, छोड़ दीजिए आयल, छोड़ दीजिए ना। आंखें खोलो, अरे कोई है यहां पर, कोई भी है यहां पर? लतीफ काला, कोई है? अरे जल्दी कोई ऊपर आओ। सनम, सनम अपनी आंखें खोलो प्लीज, अपने आहिल के लिए अपनी अपनी आंखें। सनम, सनम, सनम आंखें खोलो अपनी सनम। जिसके पास इतनी मोहब्बत करने वाला हस्बैंड, उससे मुस्कुराहट ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकती। मेरे लिए इतना ही काफी है कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है। मेरे बारे में एक बात बहुत मशहूर है, अगर चीटी के पर निकल आए ना तो मैं पर काटने में वक्त बर्बाद नहीं करती, मैं चींटी को ही मसल देती हूँ। तू अगर सांसें लेना भूल जाती ना तो भी मैं जिंदगी से तुझे दूसरा मौका दिलवा सकती थी, लेकिन तू मेरा मकसद भूल गई। अब तुझे दूसरा मौका कौन दिलवाएगा? तेरी जिंदगी तुझ पर मेरा कर्ज है, और तू अगर मर भी जाए ना
तो उस कर्ज का सूद तक अदा नहीं होगा। आप कुछ नहीं जानते, इसीलिए ये सब कुछ कह रहे। आप तो ये तक नहीं जानते कि उन दीवारों से, उस हवेली से मेरा क्या रिश्ता है। उस हवेली से? हाँ। तुझे नहीं मालूम है कि उस हवेली की दीवारों से मेरा कितना पुराना रिश्ता है और मेरी कितनी पुरानी दोस्ती है। लोगों के लिए वो हवेली हवेली होगी, लेकिन मेरे लिए मेरे वजूद का एक हिस्सा है। और कौन से रिश्ते की बात कर रही है तू? खून के? यही कहना चाहती है ना कि भोपाल की मरहूम बेगम साहिबा तनवीर तेरी अम्मी थी और आहिल से तू उनकी मौत का बदला लेना चाहती है? पता था, सब कुछ जानती थी आप, फिर भी ये बात आपने मुझसे छिपा कर रखी, मुझे मेरे वजूद से दूर रखा। ये आपने ठीक नहीं किया। अबा अबा ये आप क्या कर रही हैं? छोड़ो मुझे। अबा छोड़िए। छोड़ो मुझे, छोड़ो। आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया सब। हमारी बिल्ली और हम ही को म्याऊं, इस बात से एक बात तो साबित हो गई कि तू बिल्लो रानी की औलाद है। उस्ताद के आगे गिड़गिड़ाने वाले हाथ जब उस्ताद के सर पर बंदूक तानने वाले हो जाए ना, तो समझ लेना चाहिए कि तालीम पूरी हो गई। चला चला। नहीं आपा, हिम्मत है तो गोली चलाओ, चलाओ गोली। अगर तू मेरी जान लेना चाहती है ना, तो उससे पहले एक बात याद रखना कि जिस औरत पर तूने ये बंदूक तानी है ना, आज उसी की वजह से तू जिंदा है। अगर मैं ना होती तो तू ना होती। मारेगी मुझे। मूर्ख, तेरी अम्मी तुझे नहीं चाहती थी, तभी तो तुझे पैदा होते बेच दिया। दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर थी तू जब मुझे मिली। अगर मेरा हाथ ना होता ना तेरे सर पर, तो कोठे पर बैठी इस समय बिक रही होती। इस काम को अपनी जिंदगी समझकर अंजाम देना। इतने पैसों में तो कोई भी आपका गुलाम बन सकता है, सिर्फ मैं ही क्यों? हर काम की वजह जानना जरूरी नहीं होता। मैंने तुम्हें इस काम के लिए क्यों चुना, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। ये काम तुम करना चाहती हो या नहीं, ये तुम्हारी मर्जी हो सकती है, लेकिन एक बात याद रहे, मेरी दुनिया एक दलदल है। एक बार यहां आ गई तो फिर वापस नहीं जा सकती। आज ये जो इज्जत और ताकत है ना तेरे पास, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से है। छोड़ दीजिए ना, आहिल छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए ना।
एक बार घर पे बात करवाइए ना। बहुत खुशकिस्मत होगी आपकी बीवी कि आप जैसे मोहब्बत करने वाला शौहर मिला है। कहा वो जिंदगी के सफर में कहीं खो गई है वो। आपको पता है कि मुझे एप्पल पाई ज्यादा पसंद है। सॉरी शाद, मैं जानती हूँ आपको एप्पल पाई ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे चॉकलेट केक की जगह ये एप्पल पाई बन गया। ये कैसे स्टिच किया आपने? बिल्कुल भी फिटिंग नहीं है। जन्नत जी ने जो नाप दिया था मैंने बिल्कुल उसी नाप से जैकेट बनाई है। क्या मतलब है आपका कि मुझे अपने शौहर के मेजरमेंट्स नहीं पता? सनम, सनम अपनी आंखें खोलो सनम। माफ कर दो मुझे सनम, जाने अनजाने में मैं तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई। ये जानते हुए कि तुम मेरी शर्म हो, फिर भी मैंने तुम्हें हकीकत से दूर रखा, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से दूर रखा, खुद से दूर रखा। पर क्या कर सकता था मैं सनम, तुम्हारी दिमाग की हालत इतनी नाजुक थी, आई कुडंट हेल्प। लेकिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ सनम, प्लीज अपनी आंखें खोलो, प्लीज अपनी आंखें खोलो सनम। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, आंखें खोलो सनम अपनी, प्लीज आंखें। तेरा लाख लाख शुक्र है। आदमी अकात है, मैं कब से आपका फोन डायल करने की कोशिश कर रहा हूं। चल आपकी जन्नत की तबीयत ठीक नहीं, वो मैंने डॉक्टर को फोन किया तो बस आते ही होंगे आप जल्द। जैकेट पहनिए। अब कैसी बात करें साहब, यान की तबीयत ठीक नहीं और मुझे कह रहे जैकेट पहने, इसे पहनिए। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कोई भी बात मौके की नजाकत को देखकर की जाती है। इनकी तबीयत ठीक नहीं है और आप मुझे कह रहे पहनिए प्लीज। जन्नत जी ने जो नाप दिया था मैंने बिल्कुल उसी नाप से जैकेट बनाई है। क्या मतलब है आपका कि मुझे अपने शौहर की मेजरमेंट्स नहीं पता? परफेक्ट फिट। और एप्पल पाय आपका फेवरेट है राइट? जन्नत इस घर में पहली बार आई और किचन में नमक कहाँ है वो उसे पता। मैं यहाँ सिर्फ खाना सर्व करने आया हूँ, मुझे नहीं पता नमक कहाँ होगा। किचन में राइट हैंड साइड पे सेकंड शेल्फ के थर्ड ड्रॉर में। आपको वो हार्डली जानती है लेकिन आपकी एलर्जीज के बारे में पता। लाइए। एक मिनट। इसमें कैस्टर ऑयल है और उससे आहिल जी को एलर्जी है, ये मत लगाइए। आपकी पसंद, आपकी नापसंद, एवरीथिंग एवरीथिंग, ऐसी बातें कोई अपना ही जानता है। दो अजनबी के बीच ऐसा क्या रिश्ता?